जी फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। लें जी, शाम हो गई है और अब हम छत पे आ गए हैं। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि छत पे हमारा कुकिंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो चलें अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। ये देखें जी, ये हमारा किचन सेट हो गया है। हांडी आ गई है, तवा आ गया है, हमने चीज़ें रख दी हैं सारी। आप देख सकते होंगे ये जो हमने मैरिनेशन की थी उसको अब कुक करने का टाइम आ गया है, अब हम उसको कुक करेंगे। ले जी, आग लगाते हैं और अपनी हांडी को गर्म करते हैं। सबसे पहले ये हमने आग लगा दी है जी हांडी को गर्म करने के लिए। ये थोड़ी सी गर्म हो गई है, टाइम लेती है गर्म होने में। तवा हमारा तैयार है, बाकी चीज़ें सारी हमारी तैयार है। सबसे पहले हम चिकन लेंगे और चिकन को इसके अंदर हमने दम करना है, ठीक है, ताकि उसका स्टीम रोस्ट करना है हमने। स्टीम हो सके उसको स्टीम कर लेंगे। स्टीम करने के बाद फिर हम उसका अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। नहीं दोस्तों, अब हम दही दोबारा मैरिनेट बनाने लगे हैं मसाले के लिए, जो हमने तवे पीस के मसाला बनना है। अजवाइन आपने ले ली है 2 चम्मच, ये वाले बल्कि 3 चम्मच आप ले लें। ये 3 चम्मच आप अजवाइन के ले लें। कलवंजी आपने लेनी है जी 3 चम्मच, बल्कि 2 चम्मच आप ले लें, ठीक हो गया। ये आपने अपने मसाले के हिसाब से चीज़ें इसमें डालनी है, ये आप याद रखिएगा। बस ये हमने जनाब इसको हमने थोड़ा सा लाइट हमने इसको थोड़ा सा सेक देना है। सेक दे के तो हमने इसको ब्राउन करना है। थोड़ा इसमें जीरा डालेंगे, जीरा जीरा जीरा। ये जी एक धनिया है, ये जीरा, ये जीरा हमने डाल दिया। नहीं जी, ये हमने ज़ीरा, अजवाइन और कलवंजी को हमने ले लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे। इसको जिस वक्त ये तड़कना शुरू हो जाए तो हम इसको उतार लेंगे। नहीं जी, शुरू करते हैं जी। और ये हमने पानी डाला है इसमें थोड़ा, 2 चम्मच। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखाऊं भाई, ये दिखाएँ ज़रा। ये देखें, हमने पानी डाला है और ये लहसुन और अदरक का पानी है जो बॉयल्ड किया हुआ हमने, अब हमने ये डाल दिया। चिकन लेंगे जी, और हम ये हमारा चिकन था जो हमने मैरिनेट किया हुआ था, इसको उतारेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम इसको एज इट इज जो है इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखें जी आप, हमने इसको डाल दिया। ये इसको आपने अब ये देख सकते होंगे, ये सारा मैरिनेशन जो है इसके अंदर हमने डाल दिया। अब इसके अंदर डाल के इसको अब हमने कवर कर देना है और 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है ताकि ये स्टीम अच्छी तरह हो जाए। नहीं, दही हमने ले लिया है, मसाला हमने मैरिनेट कर लिया है, ये पीस लिया जो हमने तवे के ऊपर किया था, ये आप देख सकते हैं। ये आपने इसके अंदर डाल दें, कलवंजी, ज़ीरा और अजवाइन, इसको हमने कर लिया था। सूखा धनिया 2 चम्मच, ये आपने ले लेना। उसके बाद हल्दी 1 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, सूखा धनिया 2 चम्मच, ये आपने ले लिया। उसके बाद ये चाट मसाला है जी नेशनल का, ये आप 2 चम्मच हमने चाट मसाले के डाले। तो अब ये हमारा दही की जो मैरिनेशन है जो कि हमने तवे पीस में इस्तेमाल कर दी है बाद में ऊपर से पकाने के लिए, वो ये हमने इसको कर लिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना दही बिल्कुल। नहीं जी, इसको हम देखते हैं, 10 मिनट गुजर गए हैं, स्टीम हो रहा है, पानी अभी इसके अंदर मौजूद है। इसको आपने हलाना नहीं है, कुछ नहीं आपने करना, सिर्फ आपने ये देखना है कि अगर कोई चीज़ बाहर है इसके तो उसको आपने थोड़ा सा आपने प्रेस करके अंदर कर देना। पानी इसमें है, आपको को रहा है इसमें, हमने इसका पानी अब थोड़ा सा 10 मिनट और इसको देंगे। तो अब फ्लेम मीडियम टू हाई हम करेंगे, आगे
मीडियम टू लो फ्लेम था। सब्जियों की तरफ आ गए हैं। सब्जियां जो हमने की हुई थी इसको हम हल्का हल्का इसके ऊपर इसको ग्रिल करेंगे। मसाला लगा हुआ है आप देख रहे हैं, ये आप देखें चेक करें मसाला लगा हुआ है। इसको आपने बड़े तरीके से इसको रखना है, ये देखें जी। इसके बाद जी ये देखें जी, और ये देखें, ये देखें, और ये हमारा जनाब तैयार हो गया। बाकी ये पानी रह गया, ये पानी अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे, आपको दिखाएंगे। ले जी ये हमारे करेले जो हमने लगा के रखे हुए थे उनको अब हम रख रहे हैं। ये आप देखें, ये देखें, तो ये हमने जनाब अपने जो करेले हैं इनको मसाला लगा के रखा था, इनको हमने इसके ऊपर रख दिया। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको जो है इसकी साइड चेंज करनी है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद। ये देखें के ऊपर हम ऑयल लगाएंगे, हमने साइड चेंज की है उसकी, तो अभी हम इसको ऑयल लगाएंगे। ये उसको मैंने मैरिनेशन के दरमियान आपको बताया था कि हम लोग तवा पीस जो होता है उसकी रेसिपी बना रहे हैं, तवा पीस विद ग्रिल वेजिटेबल्स। हमने इसको ऑयल लगा दिया, आपने साथ साथ जो है ना इसकी साइड ज़रूर चेंज करती रहनी है। आपने ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे ऐसे ये ऐसे। अब हम इसके ऊपर जी ऑयल लगा देंगे। हमने इसको तकरीबन आपको किया है, अभी हम जो इसका बाकी मसाला है वो थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर डालेंगे। तकरीबन 5 मिनट बाद करेले जो हैं उनको हम ये साइड चेंज करेंगे। ये देखें आप, इस तरह आपने उनकी साइड चेंज कर दी। अब साइड चेंज करके हम इसको ऑयल लगाएंगे जिस तरह हमने उस साइड पे ऑयल लगाया था। तकरीबन हो गए हैं आलू भी तकरीबन हो गए हैं, तो इसे अब हम रिमूव करेंगे। इसको जब से खोलेंगे हम, ये गिर गया है, इसको साइड पर इसको आप इसको पकड़ें, इसको रखें, बिल्कुल नरम है, इसको बड़े तरीके से आपने उठाना है। ये रखें, इसको हमने ग्रिल कर लिया। अब ये ग्रिल होने के बाद जब तवे का प्रोसेस शुरू होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने नेक्स्ट प्रोसेस एक साथ क्या करना है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ले जी टाइम हमारा पूरा हो गया। आप ये देखें किस तरीके से ये स्टीम जो है इसका स्टीम रोस्ट तकरीबन क्लियर हमारा हो गया। अब हम चूल्हा बंद करेंगे, बल्कि इसको हम उतारेंगे, चूल्हा नहीं भी बंद करेंगे, चूल्हे की हमें ज़रूरत है। और अभी हम इसको यहाँ पर साइड पे इसको रखते हैं और ये इसको हम यहाँ से उतारते हैं, उतार के इसको हम इसके ऊपर रख देंगे क्योंकि हमें भी चूल्हे की ज़रूरत है। इसमें से अब हम थोड़ा सा ये जोश इसका ख़त्म होता है तो हम इसमें से गोश्त को निकालते हैं और उसके बाद हमने इसको बारबेक्यू करना है गोश्त को कोलों के ऊपर, तो आपको दिखाते हैं। नहीं जी ये चिकन जो हमने स्टीम किया है ये हमने निकाल लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये हम इसको ऐसे रख रहे हैं। ये हमने देखें चिकन रख लिया है। अब हम इस ग्रिल को बंद करेंगे और बंद करके अब हम इसको कोलों के ऊपर
रखेंगे। जी ये अब हमने इसको इसके ऊपर रख दिया है और बड़ी हल्की सी आंच है, इसके ऊपर हमने इसको पकाना है। हर 3 से 4 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद हम इसको ऐसे चेंज करेंगे। ठीक है, ये लें जी हमारा चिकन जो है ये हो गया है और अब हम इसको तवे का प्रोसेस शुरू करते हैं, इस पर तवा पीस का। लें जी तवा हमने सेट कर लिया है, तकरीबन हमारा तवा गर्म हो चुका है और ये जो पानी हमारा गोश्त में से निकला था, बचा था, ये हम इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, ये भी हम अपने चिकन को बनाएंगे। नहीं, ये सब्ज़ प्याज हमने लिया है, सब्ज़ प्याज हम इसको चॉप करते हैं। आपने बारीक बारीक सब्ज़ प्याज को चॉप कर लेना है, आपने भी इसको बारीक कर लेना है। ठीक है जी, नहीं आपने मिर्चें ले लेनी है और मिर्चें आपने काटनी, मिर्चें आपने मोटी वाली लेनी है, बारीक मिर्च नहीं लेनी, बारीक मिर्च बहुत तेज़ होती है, वो आपसे खाई नहीं जाएगी। तो ये मोटी मिर्च जो होती है, जिस तरह ये आप देख सकते हैं, इस तरह की ये आपने काट लेनी। तो ये देखें जी हमने मिर्चें हमने काट ली हैं, इन मिर्चों को हम उठाएँगे और यहाँ पर रखेंगे। ठीक है जी, अब आपने ये हाथ अपने मुँह को नहीं लगाना, ख़ास ख्याल करना, ये ना हो बाद थोड़ा मुँह भी तुलता रहे तो तुम साड़ू साड़ू भी करते रहो, इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल करना की समझो। अदरक आपने ले लेना है गार्निशिंग के लिए, अदरक आपने बारीक बारीक काट लेना है, ये आप देख रहे हैं जिस तरह मैं इनके स्लाइस कर रहा हूँ। इसके बाद आपने इसको मज़ीद बारीक करना है, बारीक करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने अपना अदरक गार्निश कर लिए, काट लिए इसको, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमारी बारी है लीमू की, अब हम लीमू काटेंगे। ये देखें आपने इस तरह लीमू काटने, ये देखें बारीक स्लाइस, ज़्यादा बारीक नहीं कर लेने, बस नॉर्मल बारीक करनी है। ये देखिए इस तरह आपने, ये लें जी आप अपना चिकन जो आपने किया हुआ था वो आप लें और ले के आप इसके ऊपर तवे पे रखें। ये देख रहे हैं आप जैसे मैं रख रहा हूँ, तवा नीचे से जल रहा है, ये जो मिक्सचर आपने लिया था ये आपने इसके ऊपर डालना है। ठीक है, ऐसे ताकि तवा नीचे से लगे ना और सड़े ना। पानी आपने लेना है, आपने लगाना है, ये देखें आप, ये देखें आप, ये देखें और ये देखें, ये हमने लगा लिया जी। आपने ये पानी ऐसे लेके जो उसका सूप था मिक्सचर था सारा, ये आपने इसके ऊपर डाल देना। ये ज़ाया नहीं करना जी आपने, ये मिक्सचर जो है ये याद रखिएगा, ये बिल्कुल ज़ाया नहीं करना आपने। ये अब आपने इसको होने देना है कि इसका ये पानी ड्राई हो, जिस वक्त इसका पानी ड्राई होता है उस वक्त मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें जी आपने मिर्चें लेनी है, मिर्चें आपने इसके ऊपर थोड़ी सी डालनी है, थोड़ा सा आपने हरा प्याज लेना है वो आपने इसके ऊपर डालना है इस तरीके से, थोड़ा सा नींबू आपने लेना है वो नींबू आपने इसमें डालना है। ये अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने इसमें प्याज नहीं डाला, तो प्याज भी अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, वो आपको दिखाते हैं। ये देखें ये हमने टमाटरों की प्यूरी बनाई हुई है, ये टमाटरों की प्यूरी हम इसके ऊपर डालेंगे। ये आप देखें हमने ये टमाटरों की प्यूरी हमने इसके ऊपर डाल दी। इसी तरह हम प्याज लेंगे और ये हम प्याज इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। ये अब हमने इसको तकरीबन को 10 मिनट देने हैं, हलाना इसको हमने नहीं है, हमने इसका पानी खुश्क करना है। इसके बाद जब इसका पानी खुश्क हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये लें जी अब हम इसके ऊपर ऑयल ऐड करेंगे, ये
ये दो चम्मच ऑयल के आपने इसमें ऐड कर दिए। तो अब आप देख सकते होंगे कि ये पानी खुश्क होना शुरू हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा हम इसको खुश्क करेंगे। आपने थोड़ा सा इसको हलाना है अपने चिकन को और थोड़ा सा इसकी साइड इसकी आपने चेंज कर दी है, निचला हिस्सा ऊपर ऊपरला हिस्सा नीचे आपने। तो आप देख रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि यार ये तो कढ़ाई तैयार हो रही है, लेकिन जब ये तैयार होगा तो ये कढ़ाई नहीं होगी, ये तवा पीस होगा, यही चीज़ देखने वाली है इसके। तो आप देखते रहें, बने रहें, एंड में आपको पता लगेगा। जी पानी हमारा खुश्क हो गया है, ये आप देखें मसाला और चूल्हे का लेवल थोड़ा सा ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे तवे को हाथ रखना पड़ रहा है। और ये लें जी, अब आप देख रहे हैं कि ये बन रहा है। आपने 12 से 18 प्याज लेना है, आपने मिर्चें लेनी है, इस पर आपने डालनी है दोबारा इस तरीके से, और आपने इसको पकाना है। आपने कंटिन्यूसली इसको चेंज करते रहना है ताकि ये नीचे से लगे ना। ये अब कैमरे में स्मेल तो मैं बता नहीं सकते अपने देखने वालों को कि स्मेल कैसी है, इसके लिए आपको खुद पकाना पड़ेगा और ख़ुद पका के ख़ुद खाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, इस चीज़ का ख्याल रखें आप। ये देखेंगे अपना मैटर बनाया हुआ है, वो हम इसके ऊपर डालेंगे जी। ये देखें आप, ये आप देख सकते हैं। अब आखिरी टच चल रहे हैं हमारे, ये हमने इसमें मैटर अपना डाल दिया जी। अब आपने इसको थोड़ा सा भूनना है और उसके बाद फिर आपने इसको छोड़ना है ताकि ये पानी खुश्क हो जाए। ये जी आप देख सकते हैं कि खुशबू बहुत लाजवाब है इस वक्त, और अगर मैं आपको दिखाऊं मसाला भी तैयार हो चुका है, ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने और मसाला रेडी है हमारा। हम इसको अब थोड़ा सा स्प्रेड कर रहे हैं ताकि हम इसी डिश में इसको सर्व करेंगे। नहीं, ये हमारी ये जो वेजिटेबल्स थी ये हमने इनके साइडों पे रख देनी है। ये हमारा हमारे करेले जनाब, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये हमारी डिश तैयार हो गई है जी। अब हम इसको गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए आपने जो चीज़ें काटी हुई थी वो आप इसके ऊपर डालें, थोड़ा सा हरा प्याज आप इसके ऊपर डालें जी, हरा धनिया आप इसके ऊपर स्प्रिंकल करें, तो हमारी डिश तैयार हो गई। तो नहीं जी दोस्तों, आपने देखा मैंने आपको तवा चिकन विद वेजिटेबल्स बनाना सिखाया है। एक्चुअली तवा पीस जो है वो बड़ा होता है और हमने तवा पीस को छोटा कर दिया था, इसकी लेग्स छोटी कर दी थी, छोटी बोटी में हमने इसको तैयार किया है। आप चाहें तो आप पूरे पीस में भी इसको ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। तो घर में बनाएं, टेस्ट करें और बताइएगा। मेरे चैनल नान नासिर ब्लॉग्स को
लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके। इजाज़त दीजिए इमरान नासिर को, अल्लाह हाफिज़।